नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री हरि विष्णु की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहती थी। श्री हरि की कृपा से बुढ़िया माई के अन्न धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहुएं बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी करती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला, माँ, तुम श्री हरि की इतनी पूजा पाठ करती हो और प्रभु का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई बोली, बेटा, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही इच्छा है कि श्री हरि के दर्शन हो जाएं और ये देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ, भगवान ऐसे नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया माई के मन पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले दिन ही अपने घर से चल दी, भगवान को भजती गई और चलती गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिली। वो उनसे पूछने लगी, बहन, भगवान का भजन करते कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, मंदिर जा रही हो? वो बोली, नहीं, मंदिर नहीं, मैं साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तो वह बोली, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान के भजन करती चलती जा रही थी। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वो भी पूछने लगी, कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वो भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का भजन करती गईं और चलती गईं। भगवान नारायण बैकुंठ में बैठे तीनों को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही हैं और मेरे दर्शन करना चाहती हैं। चलो, इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरा एक थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मगन थी, उनकी भी नजर थैली पर नहीं पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पांव मोहरों की थैली पर पड़ा। उन्होंने थैली उठाकर देखा कि इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया। और वह थैली लेकर अपने घर की ओर चल दी। ये देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर श्री हरि ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को ईंट से ठोकर लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वह आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई को जब उस ईंट से ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, अरे, ये तो सोने की ईंट है। उन्होंने ईंट उठाई और वापस अपने घर को चल दी और बोली,
जब भगवान ने धन दिया है तो वन वन घूमने से क्या फायदा। अब पहली बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा भजन करती जा रही थी और चलती जा रही थी, बार बार भगवान को पुकारती जा रही थी और दर्शनों की प्रार्थना कर रही थी। इस बार भगवान नारायण ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। वो बोली, प्रभु बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। ऐसा कहकर जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु कहती वो आगे चली। भगवान ने खूब आंधी तूफान वर्षा बरसाई, परंतु बुढ़िया माई अपने प्रण से टस्से मस ना हुई, बेसुध हो गई, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तब भगवान श्री हरि विष्णु बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए, उन्हें दर्शन दिया और बोले, बुढ़िया माई मांग, क्या मांगती है। वह बोली, प्रभु आखिरी इच्छा आपके दर्शनों की थी, आपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। वैकुंठ लोक से एक सुंदर विमान उतरा और स्वयं श्री हरि अपने साथ बुढ़िया माई को वैकुंठ लोक को ले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।